दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया। बता दें कि वीरेंद्र सचदेवा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बिल्कुल लीगल है और कोर्ट को अपना काम अच्छे से करना आता है। मीडिया से वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी में सभी नेता भ्रष्टाचारी और अपराधी हैं, ये पूरी पार्टी ही भ्रष्टाचार और अपराध में डूबी हुई है। साथ ही वीरेंद्र सचदेवा ने आगे कहा कि दिल्ली व्यापी पदयात्रा को पश्चाताप यात्रा कहना चाहिए। मनीष सिसोदिया की ये यात्रा जिस पर कटाक्ष उन्होंने किया, जिस तरह से इन लोगों ने दिल्ली को ठगने का काम किया। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है और शराब घोटाले में दोषी अरविंद केजरीवाल बार बार बेल के लिए कोर्ट भागते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि माननीय हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इनकी जो गिरफ्तारी है वो लीगल है और शराब घोटाले के ये प्राइम सस्पेक्ट हैं। और मुझे लगता है उन्हीं चीज़ों को नज़र में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज अंतरिम जमानत इनकी खारिज की है। दिल्ली की जनता ये अच्छे तरह से जानती है कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे अरविंद केजरीवाल हों या जमानती सिसोदिया हों, इन सबकी महत्वपूर्ण भूमिका है और निस्संदेह इस मामले में इनको सज़ा भी मिलेगी। एक जमानती दूसरे जो उनके साथी हैं जो जेल में बंद हैं उनके जन्मदिन पर यात्रा शुरू करना चाहते हैं, ये देखिएगा तारीखें बदलेंगी, क्योंकि यात्रा ये नहीं है, ये पश्चाताप यात्रा होनी चाहिए, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली को लूटने और ठगने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है, इसका जवाब तो इन्हें देना पड़ेगा। इनको उस यात्रा में बताना चाहिए कि क्यों हमने शराब नीति बदली थी और जब जांच शुरू हुई तो वापस क्यों ली। इनको ये भी बताना चाहिए कि कैसे हमने शराब की दुकानें गली गली मोहल्ले मोहल्ले खोली। इनको ये भी बताना चाहिए कि 2% से 12% कमीशन करने का कारण क्या था, वो किकबैक का पैसा गया कहाँ। इन सब बातों का जवाब इस जमानती सिसोदिया को देना चाहिए।